इंस्ट्रूमेंटेशन क्या है? साइंस ऑफ ऑटोमेटेड मेजरमेंट। फर्स्ट स्टेप हमारे पास होता है मेजरमेंट, कि हम मेजरमेंट किसी भी चीज़ की मेजरमेंट ले सकें, प्रेशर है, फोर्स है, एरिया है, ठीक है। तो जब हम किसी भी वेरिएबल को मेजर नहीं कर पा रहे तो फिर क्या होगा, हमारे लिए उसको कंट्रोल करना मुश्किल होगा। स्टेप्स क्या क्या है हमारे पास? मेजर दी क्वांटिटी, हम क्वांटिटी को मेजर करेंगे। नेक्स्ट स्टेप क्या है? ट्रांसमिट अ सिग्नल टू इंडिकेटिंग आर कंप्यूटिंग डिवाइस। हम कोई भी कंप्यूटिंग डिवाइस है या इंडिकेटर है हमारे पास, 7 सेगमेंट डिस्प्ले है या कोई भी हमारे पास डायल इंडिकेटर है, हम उसको सिग्नल ट्रांसमिट कर देंगे, आगे भेज देंगे। और फिर क्या है? टेक द एक्शन। इफ द कंट्रोलिंग एक्शन इज ऑटोमेटेड, द कंप्यूटर सेंड्स अ सिग्नल टू फाइनल कंट्रोलिंग डिवाइस विच देन इन्फ्लुएंस द क्वांटिटी बीइंग मेजर्ड। अगर हमने कंट्रोलिंग एक्शन को ऑटोमेट किया है, फिर क्या होगा? हमारे पास कंप्यूटर होगा, वो सिग्नल सेंड करेगा फाइनल कंट्रोलिंग डिवाइस को, ऐसी डिवाइस जो कि पूरे प्रोसेस को कंट्रोल कर रही होगी। तो फिर क्या होगा, प्रोसेस के अंदर उस वेरिएबल को वो डिटेक्ट करेगा जिस वेरिएबल को हम मेजर कर रहे थे। वो प्रेशर भी हो सकता है, वो फ्लो भी हो सकता है, वो हीट या टेम्परेचर भी हो सकती है, कुछ भी। तो फाइनल कंट्रोलिंग डिवाइस उसको क्या करेगा, इन्फ्लुएंस करेगा क्वांटिटी को जिसको हम मेजर करने जा रहे थे। तो हम फर्स्ट स्टेप में मेजर करते हैं, फिर हम इंडिकेटिंग डिवाइस को सिग्नल भेजते हैं, फिर वो एक्शन लेता है और फाइनल कंट्रोलिंग डिवाइस के थ्रू वो क्वांटिटी जिसको हम मेजर कर रहे थे उसको इन्फ्लुएंस करता है, चेंज करता है, फीडबैक देता है। अब कंट्रोलिंग एक्शन क्या है? बेसिकली फाइनल कंट्रोलिंग डिवाइस क्या करेगा? वन ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स कंट्रोलिंग। अब इसमें कंट्रोल वाल्व भी हो सकता है। फाइनल कंट्रोलिंग डिवाइस हमारे पास वाल्व भी हो सकती है, इलेक्ट्रिक मोटर भी हो सकती है, इलेक्ट्रिक हीटर भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, आप लोग मैकेनिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं तो आप लोगों को कहा जाता है इलेक्ट्रिक हीटर को आप लोग कंट्रोल करें या इलेक्ट्रिक मोटर की स्पीड को आप लोग कंट्रोल करें। तो आप टैकोमीटर के थ्रू स्पीड को मेजर करेंगे और मेजर करने के बाद उसकी स्पीड को कंट्रोल करेंगे। फर्स्ट स्टेप मेजरमेंट होता है। जब आप मेजर कर लेते हैं और ऑटोमेटेड है तो फिर आप वाया प्रोग्राम या वाया पीएलसी या कोई भी आप लोगों ने मैकेनिज्म पीछे लगाया हुआ है उसको कंट्रोल करने के लिए, फिर आप मेजरिंग डिवाइस को, मेजरिंग जो वेरिएबल है जिसको आप मेजर कर रहे थे उसको आप कंट्रोल भी कर सकते हैं। पूरी डिवाइस इलेक्ट्रिक मोटर है या इलेक्ट्रिक हीटर है या कुछ भी है हमारे पास, वो वाल्व को अगर फ्लो है इनके साथ फ्लो, तो फिर क्या होगा, वाल्व को वो ऑन ऑफ भी करवा देगा। बॉयलर भी बार दफ़ा कंट्रोल किए जाते हैं, ठीक है। बॉयलर को भी कंट्रोल किया जा सकता है अगर हमारे पास मैकेनिज्म उसका क्या है, ऑटोमेट हमने कर दिया है। उसके बाद है मेजरमेंट एंड कंट्रोल का, थोड़ा सा हम देखते हैं क्या आपस में रिलेशन। बोथ द मेजरमेंट डिवाइसेस एंड द फाइनल कंट्रोल डिवाइस कनेक्ट टू सम फिजिकल सिस्टम। ये दोनों चीज़ें जो मेजरमेंट डिवाइस है हमारे पास और फाइनल कंट्रोल डिवाइस, ये कनेक्ट होती हैं फिजिकल सिस्टम के साथ जिसको हम प्रोसेस का नाम देते हैं। हम नीचे डायग्राम देखें आप लोग प्रोसेस की, हमने क्या किया, सबसे पहले लेफ्ट साइड पे देखें आप लोग तो नज़र आ रहा होगा सेंसर लगाया हुआ है, मेजरिंग डिवाइस है, सेंस कर रही है वो सिग्नल भेज रही है कंट्रोलर को। कंट्रोलर भी एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है, बेसिकली एक चिप होती है। अब फॉर एग्जाम्पल 8051 एक कंट्रोलर है या 8081 हमारे पास एक कंट्रोलर है, तो वो क्या करेगा, डिसाइड करेगा, ठीक है, कि मैंने क्या जो है ना एक्शन लेना है। फिर वो इन्फ्लुएंस करेगा फाइनल कंट्रोल डिवाइस को, सिग्नल भेज देगा और फिर वो दोबारा जो है ना प्रोसेस को कंप्लीट करवाएगा, तो प्रोसेस फिर रिएक्ट करेगा। तो ये एक हमारे पास फ्लो चार्ट है।
ब्लॉक डायग्राम है जिसमें हम मेजरमेंट डिवाइस को और फाइनल कंट्रोल डिवाइस को शो करवा रहे हैं, प्रोसेस के साथ कैसे आपस में ये जुड़ी हुई है, प्रोसेस के साथ कैसे इंटरलिंक्ड है। इंस्ट्रूमेंटेशन के अंदर कुछ टर्मिनोलॉजीज हम यूज़ करते हैं, टर्म्स यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल अभी हमने टर्म यूज़ की प्रोसेस की। प्रोसेस क्या है? कोई भी फिजिकल सिस्टम होगा जिसको हम कंट्रोल कर रहे हैं, बॉयलर की फार्म में या ओवन की फार्म में या कोई भी सिस्टम है जिसको हम या कोई भी टैंक है उसका फ्लो हम नोट कर रहे हैं, थर्मामीटर है, थर्मोकपल यूज़ कर रहे हैं टेम्परेचर वगैरह की मेजरमेंट के लिए। तो सिस्टम होगा कोई ना कोई, उस फिजिकल सिस्टम को हम प्रोसेस का नाम देंगे जिसके साथ फाइनल कंट्रोलिंग डिवाइस जुड़ी होगी और मेजरिंग डिवाइस जुड़ी होगी। प्रोसेस वेरिएबल क्या है? बेसिकली स्पेसिफिक क्वांटिटी वी आर मेजरिंग इन अ प्रोसेस। तो खास क्वांटिटी, खास वेरिएबल जिसको हम मेजर कर रहे होते हैं प्रोसेस के अंदर, वो प्रोसेस वेरिएबल होते हैं। सेट पॉइंट क्या होगा? द वैल्यू एट विच द वी डिजायर the process variable to be maintained at, एक ख़ास पॉइंट या ख़ास वैल्यू जिस पे हम चाह रहे हैं कि प्रोसेस वेरिएबल मेंटेन हो जाए, तो उसको हम नाम देंगे सेट पॉइंट का। ठीक है, टारगेट टू बी अचीव्ड भी नाम इसको कह सकते हैं, जैसे लिखा हुआ है सिंपली टारगेट टू बी अचीव्ड, उसको हम सेट पॉइंट कहेंगे। हम चाह रहे हैं कि हमारे पास ओवन है ख़ास टेम्परेचर पे जाके बंद हो जाए, ठीक है, तो हमारे पास वो सेट पॉइंट होगा, वो ख़ास टेम्परेचर जिसमें हम चाह रहे हैं कि ओवन जाके उस सेट पॉइंट पे, उस पॉइंट पे जाके यानी ख़ुद ब खुद ऑफ हो जाए, ऑफ पोजीशन में आ जाए। अब प्राइमरी सेंसिंग एलिमेंट क्या है? PSE डिवाइस डायरेक्टली सेंस द प्रोसेस वैल्यू। ऐसी डिवाइस जो कि डायरेक्टली सेंस करती है प्रोसेस वेरिएबल को। कंट्रोलर भी हमने एक टर्म यूज़ की है, डिवाइस दैट रिसीव्स अ प्रोसेस वेरिएबल सिग्नल, ठीक है, PSE से हासिल करता है और फिर क्या करता है, कंपेयर करता है डिजायर वैल्यू के साथ, ठीक है, फिर कैलकुलेट करता है और अप्रोप्रिएट आउटपुट सेंड कर देता है फाइनल कंट्रोलिंग एलिमेंट को। ठीक है, कंट्रोलर कौन सी डिवाइस है जी, या कैसे डिफाइन कर सकते हैं कंट्रोलर को? ऐसी डिवाइस जो कि प्रोसेस वेरिएबल सिग्नल को रिसीव करता है प्राइमरी सेंसिंग एलिमेंट से, ट्रांसमीटर से, फिर क्या करता है, कंपेयर करता है डिजायर वैल्यू के साथ और फिर कैलकुलेशन के बाद वो FCE फाइनल कंट्रोलिंग एलिमेंट को भेज देता है। हमारे पास 10 मिनट है मीटिंग एंड होने में, ठीक है। इलेक्ट्रिक मोटर को फॉर एग्जांपल फाइनल कंट्रोल एलिमेंट हमारे पास इलेक्ट्रिक मोटर है, मोटर है या कंट्रोल वाल्व है, तो इसको वो सिग्नल भेजेगा कंट्रोलर। फाइनल कंट्रोल एलिमेंट भी टर्म यूज हुई है, इसको भी इसने मजीद डिफाइन किया है, रिसीव्स अ सिग्नल फ्रॉम कंट्रोलर टू डायरेक्टली इन्फ्लुएंस द प्रोसेस। वेरिएबल स्पीड इलेक्ट्रिक मोटर भी हो सकती है, कंट्रोल वाल्व भी हो सकता है, इलेक्ट्रिक हीटर भी हो सकता है, फाइनल कंट्रोल एलिमेंट, ठीक है जी। अच्छा, मोड होते हैं किसी भी चीज़ को कंट्रोल करने के, ऑटोमेटिक मोड है या मैनुअल मोड है, ठीक है। अब उसके अंदर दो वैल्यूज़ आती हैं, लोअर वैल्यू और अपर वैल्यूज़। जिन वैल्यूज़ को वेरिएबल की, जिन वैल्यूज़ को हमने कंट्रोल करना होता है उसमें एक मिनिमम वैल्यू होती है और एक हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू होती है, रेंज होती है ट्रांसमीटर की कैलिब्रेशन की, ट्रांसमीटर कैलिब्रेशन रेंज 0% और 100%। तो इसको हम लोअर और अपर रेंज वैल्यूज़ का नाम देते हैं, LRV और URV। ऑटोमेटिक मोड क्या है? बेसिकली कंट्रोलर जनरेट करता है आउटपुट सिग्नल प्रोसेस वेरिएबल और सेट पॉइंट के रिलेशन से खुद ब खुद ही, कंट्रोलर कंट्रोल कर रहा होता है, तो इसलिए हम कहते हैं कि इसमें ह्यूमन जो है या लेबर का काम नहीं है, तो ये ऑटोमेटिक मोड है हमारे पास। मैनुअल मोड क्या होगा? कंट्रोलर डिसीजन मेकिंग एबिलिटी इज बाईपास्ड टू लेट अ ह्यूमन ऑपरेटर। इसमें ह्यूमन ऑपरेटर का रोल होता है कि वो खुद ही जो है ना आउटपुट सिग्नल को जो है ना वो कंट्रोल कर रहा होता है।
जो है ना ऑपरेटर की एबिलिटीज को यूज़ किया जाता है, वही इसको कंट्रोल करता है और फाइनल कंट्रोल एलिमेंट से वो सिग्नल भेजता है आउटपुट। लोअर और अपर रेंज हमने डिस्कस की है अभी के। हमारे पास जो रेंज होती है ट्रांसमीटर की कैलिब्रेशन रेंज, वो 0 से 100% फॉर एग्जाम्पल है, तो 0% जो होगा वो लोअर वैल्यू होगी और अपर वैल्यू क्या होगी 100%। टेम्परेचर ट्रांसमीटर ये एग्जाम्पल है, इज कैलिब्रेटेड टू मेजर रेंज ऑफ टेम्परेचर स्टार्टिंग एट 300 एंड एंडिंग एट 500। तो 300 हमारे पास क्या होगा LRV और 500 क्या होगा URV, अपर और लोअर रेंज वैल्यूज। अब स्टीम बॉयलर की एग्जांपल है हमारे पास, ये स्टीम बॉयलर है आप लोगों के सामने, स्टीम ड्रम वाटर लेवल कंट्रोल सिस्टम फॉर एन इंडस्ट्रियल बॉयलर। इसके अंदर हमारे पास डिफरेंट, सबसे पहले फीड वाटर है, ये नज़र आ रहा होगा आप लोगों को, ठीक है जी। हम इसको जो ड्रम है उसके अंदर इंटर करते हैं। नीचे हमारे पास जो है ना वो बर्नर लगा हुआ है बर्नर हीट करने के लिए। तो लेवल ट्रांसमीटर है हमारे पास, ठीक है, और लेवल इंडिकेटिंग कंट्रोलर भी है, एयर ऑपरेटिंग ऑपरेटेड कंट्रोल वाल्व भी हमारे पास। तो स्टीम जनरेट होगी, स्टीम के लिए आउटलेट भी है और एग्जॉस्ट स्टैक, बर्नर हम यूज़ कर रहे हैं तो उसके एग्जॉस्ट के लिए एग्जॉस्ट स्टैक हम यूज़ कर रहे हैं। तो बॉयलर सिंपली आप लोग अक्सर इंडस्ट्रीज के अंदर या कहीं ना कहीं घरों में भी यूज़ होते हैं, सिंपल लेवल से इंडस्ट्रियल लेवल तक, हायर लेवल तक। तो इनको कैसे कंट्रोल करना होता है या कैसे कंट्रोल किया जाता है, इसमें हमारे पास लेवल ट्रांसमीटर होता है, लेवल इंडिकेटर कंट्रोलर होता है, और हम वाटर को भी कंट्रोल करते हैं और यहाँ से हम हीट को भी कंट्रोल करते हैं, लेवल को भी हम कंट्रोल करते हैं। लेवल ट्रांसमीटर क्या होता है, द पर्पज ऑफ दिस डिवाइस इज टू सेंस द वाटर लेवल। स्टीम ड्रम के अंदर हम वाटर के लेवल को सेंस करते हैं, ठीक है, और रिपोर्ट करते हैं दैट मेजरमेंट टू कंट्रोलर इन द फॉर्म ऑफ इंस्ट्रूमेंट सिग्नल। हाँ जी, कुछ समझ आ रही है आप लोगों को? यस सर। सही, तो अभी तक क्या समझ आया आप लोगों को, कोई समराइज कर सकता है? इस सब्जेक्ट में या इस लैब में हम क्या कुछ करने जा रहे होंगे, कुछ आप में से कोई समराइज कर सकता है या थोड़ा बहुत बता दें क्या कुछ हमने डिस्कस किया, ताकि फीडबैक मिलता रहे। ऑनलाइन क्लास में थोड़ा सा ये इशू होता है, टीचर पढ़ा रहा होता है, बच्चे जो है ना वो बार दफ़ा आवाज़ का इशू है या कुछ स्क्रीन शेयर सही नहीं हो रही, तो ये इशूज। इंस्ट्रूमेंटेशन क्या चीज़ है, कौन अभी बोल रहा था? उमर दराज बोल रहा था बच्चा, जी। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। जी सर, ये इंस्ट्रूमेंटेशन को डिफाइन करें थोड़ा सा, क्या कुछ पढ़ा भी हमने, थोड़ा बहुत आइडिया दें इंस्ट्रूमेंटेशन में क्या चीज में देखिए, होती है सेंस ऑफ ऑटोमेटिक मेजरमेंट एंड कंट्रोल। ये कैसी मतलब साइंस है जिसमें हम ना मेजरमेंट को ऑटोमेटिक कंट्रोल करते हैं, मेजरमेंट को ऑटोमेटिकली हम कंट्रोल करते हैं, ठीक है। अच्छा, उसामा नजीर
नजीर की तरह। चलें एहतिशाम, आप थोड़ा बताएं यार, काफी आज के लिए एहतिशाम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। एहतिशाम कैसे हैं? जी सर, जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं सर, ठीक हैं? जी अच्छा, क्या कुछ पढ़ा है हमने, कुछ सर? फीडबैक दें सर, मैं जरा बाहर आया हूँ थोड़ा सा। अच्छा, जा रहे हैं सर जी, जा रहे हैं, मेरा पीसी जा रहा है, उसका नहीं जा रहा। आप समझ नहीं आ रही फिर, क्या कुछ पढ़ा हमने आज? सर जी, हमने आज वाटर लेवल कंट्रोल पर तलक सर जी पढ़ा है। और क्या पढ़ा है? अच्छा एहतिशाम, आप लोगों ने आप से कही फिर क्लास की अभी अटेंडेंस लेगा? यस सर। क्लास की अटेंडेंस कौन लेगा? सीआर नहीं है अभी क्लास में? सर जी, जिसको कहते हैं वो ले लेता है, फिर सेंड कर देगा आपको। चलें अभी कौन लेगा, फिर उसामा नजीर ले ले या आप ले लें। सेकंड सीआर कौन है क्लास में? सेकंड तो पता नहीं, चले मैं ले लेता हूं, मैं आपको सेंड कर दूंगा फिर, ठीक है? हां ठीक है। और ऐसा है कि एक सीआर को पहले आपने लिस्ट मुझे सेंड करनी है क्लास की। जी ठीक है मैम। अच्छा सर, मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया, मैं आपको सेंड कर दूंगा व्हाट्सएप पे। ठीक होगा, थैंक यू सर। अच्छा अभी मेरे ख्याल आखिरी मिनट है, कल हमारी क्लास होगी आप लोगों के साथ? सर ये तो सीआर बताएगा सर जी।